Good morning, students. So let's we understand about the fifth phylum, that is Ascanhelminthes. Ascanhelminthes का मतलब होता है roundworms. So this is the first phylum in that the sexes are separate. Usually ये phylum की खासियत ये है कि ये जो phylum है, ये जो phylum है उसमें male, usually male body जो होता है it's a smaller than फीमेल बॉडी. मेल बॉडी जो होता है वो यूजुअली इसमें क्या होता है, स्मॉलर देन फीमेल. ओके, सो हियर द फर्स्ट फाइलम वेयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड. यहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट है. सो वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. ओके, एंड दे हैविंग nothing but muscular pharynx. All animal having bilateral symmetry. Bilateral symmetry मतलब दो हिस्सों में easily divide हो जाती. इसमें organ system level of organization है, that is first observed in complete digestive system in this particular phylum. But they having the coelom. Coelom यहाँ पर pseudo coelomate है. कौन सा coelomate है? Pseudo. Pseudo मतलब false coelomate. Okay. They animal are dioecious. What you mean by the dioecious? डायसियस का मतलब होता है द बोथ एनिमल्स सेक्सेस आर सेपरेट. दिस एनिमल्स आर डायसियस. मेल एंड फीमेल बॉडी इज डिफरेंट. ओके, द फर्स्ट एनिमल हैविंग द एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट. मतलब के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होके अप टू एनस तक खुलता है. ओके, सो हियर दे गिव्स फर्टिलाइजेशन. इसमें इंटरनल है, मतलब कि मेटिंग होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. और जो इंटरनली डेवलप द लार्वी, जो लार्वी है वो डायरेक्टली डेवलप होते हैं, मतलब छोटे बच्चों को जन्म देते हैं. इसमें जनरली कौन से वॉर्म्स वी कैन बी इंक्लूडेड? द वॉर्म्स टू बी इंक्लूडेड आर नथिंग बट एस्केरिस, जो राउंड वॉर्म है जो जनरली इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. ओके, वुकेरिया वो फिलारिया वॉर्म है, जो एलिफेंटोसिस मतलब के जो हाथी पगा रोग होता है, एलिफेंट जैसा लेग होना या तो ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाना या तो फिर स्क्रोटम सैक में होना, तो ये जो एलिफेंटोसिस होता है उसके लिए वो जवाबदार है. एन साइक्लोस्टोमा जो हुक वॉर्म है, जो चिपके रहते हैं इंटेस्टाइनल वॉल से. नाउ सेकेंड मोस्ट द सिक्स नंबर फाइलम इज एनिलिडा. एनिलिडा इज अ सिक्स phylum. Annelida consisting the segmented body is a segmented. Okay, while you talk about Annelida, then in Annelida we can find the animals in Annelida. These are most are terrestrial habitat, free living also, kuch free living hai. ओके, समटाइम पैरासाइटिक ऑल्सो. तो लीच इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक एनिलिडन्स. ओके, जनरली बायोलेट्रल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सारी बॉडी सिस्टम इसमें देखने को मिलती है. सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें, फिर नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग लाइक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ब्रेन नहीं होता है यूजली, लेकिन जो गैंग्लिया होता है जो नर्वस सिस्टम में, इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे बाय अर्थ वर्म. और ये जो गैंग्लियनेटेड सिस्टम है दैट विल बी फाइंड इन द नर्व्स. ओके, मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? द बॉडी इज दिस एनिमल हैविंग द ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशलिटी हैविंग द मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. मेटामेरिकल सेगमेंटेड बॉडी मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ द बॉडी कैन बी सेगमेंटेड. ओके, सो दिस फाइनल नेम इज एनिलिड्स, मतलब द लिटल रिंग are present on that. Okay, sometimes for example नेरिस है, तो नेरिस में जो फूट होते हैं जिसको बोलते हैं पैरापोडिया. दिस पैरापोडिया आर हेल्प टू लोकोमोशन. और वाइल वी आर टॉक अबाउट इन अर्थ होम, द अर्थ होम हैविंग द ग्रूव्स दैट इज कॉल्ड सीटे. The city usually, जो सीटें होते हैं that also help in locomotion.
ओके, अ क्लोज सर्कुलरी सिस्टम इज प्रेजेंट. तो एक्सिलेटरी यूनिट के रूप में इसमें नेफ्रिडिया होता है. नेफ्रिडिया से वो एक्सिलेशन करते हैं, जनरली यूरिक एसिड प्लस एमोनिया दोनों लिब्रेटेड करते हैं. जब वाटर ज़्यादा होता है तो एमोनिया ज़्यादा लिब्रेट करते हैं, जब वाटर कम हो तो यूरिया ज़्यादा लिब्रेट करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सिलेशन नेफ्रिडिया से होता है. ओके, द नेफ्रिडियम इज स्ट्रक्चर लाइक, इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रिडिया यू विल बी फाइंड हियर द नेफ्रोस्ट्रोम एंड अ कैनल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ओपन इंटरनली. जो भी एक्सिलेटरी प्रोडक्ट है वो बाहर नेफ्रिडियल पोर से छोड़ते हैं. ओके, और नर्वस सिस्टम गैंग्लियोनेटेड होती है. गैंग्लिया मतलब नर्व का गुच्छा होता है, तो उसको गैंग्लियन कहा जाता है. ओके, सो यहाँ पर न्यूरल सिस्टम है, गैंग्लियोनेटेड है, एक नर्व कोड होता है और उसमें से नर्व्स निकलती है. सो दिस इज अबाउट फाइलम एनेलिडा. सम हैविंग द सेक्सेस आर सेपरेट, फॉर एग्जाम्पल नेरिस हैविंग द सेक्सेस आर सेपरेट बट अर्थवर्म इज हर्मोफ्रोडाइट. हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? सो लेट्स वी टॉक अबाउट द नर्व्स आर लेटरल नर्व्स आर डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है. फॉर एग्जाम्पल नेरिस वी टॉक अबाउट. ओके, सो हियर वी टॉक अबाउट द नेरिस इज नेरिस. ये जो पहला वाला ए नंबर वाला डायग्राम है, दिस नेरिस आर डायसियस, मतलब उसमें मेल एंड फीमेल सेपरेटेड होते हैं. बट इन लीच द बी वन एंड अर्थवर्म दे हैविंग नथिंग बट दे आर हर्मोफ्रोडाइट, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन उसमें. और पैरासाइटिक का भी एग्जाम्पल क्या है? लीच है. तो नेरिस दैट इज कॉल्ड द सैंडवर्म, फेरिटिमा दैट इज कॉल्ड अर्थवर्म एंड हिरुडिनिया दिस इज ब्लड सकिंग लीच. ओके, नाउ द नेक्स्ट फाइलम एज वी कंपेयर द बिगेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. इट्स द लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूडिंग 65% एनिमल्स इन दैट, इंक्लूडिंग 65% एनिमल इन दैट. ओके, जो भी 65% एनिमल्स है इन द वर्ल्ड, ये सारे किसमें इंक्लूड है? आर्थ्रोपोडा में. और सबसे बड़ा क्लास आर्थ्रोपोडा का कौन सा है? द क्लास, द बिगेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड दैट इज क्लास इंसेक्टा, जिसमें सारा इंसेक्ट इंक्लूड है. ओके, द ओवर 2/3 ऑफ एनिमल्स नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन बी टॉक अबाउट दैट इज आर्थ्रोपोडा. तो आप जब लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी वही है. बट दे हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज दैट इज ओपन टाइप और बॉडी एक्ट एज अ होमोसियल, मतलब बॉडी कैविटी में ब्लड भरता है, इसलिए इसको हीमोसियल कैविटी कहते हैं. जनरल इनकी बॉडी वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल अपने कॉकरोच लेंगे, या तो ये फॉर एग्जाम्पल ले तो हेड तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है. दिस इज वी कैन से हेड एब्डोमिन, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमिन, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमिन. ओके, सो ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड है. लेकिन इफ यू सी द सी वन, ओके, मतलब क्रैब है, या तो इफ यू सी इन अ प्रॉन, प्रॉन में देखो हेड थोरेक्स के साथ जुड़ा है. सो इन सच अ कंडीशन इज कॉल्ड द सिफेलोथोरेक्स. ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिफेलोथोरेक्स, मतलब के हेड किसके साथ जुड़ा है? थोरेक्स के साथ. जनरली एनिमल में क्या होता है? तीन में डिवाइड होता है, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमिन. एब्डोमिन जनरली यहाँ पर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है. ओके, अब हियर द सेंसरी ऑर्गन है एंटेना. एंटेना यूजुअली अपर एंड पर होते हैं. इफ यू टॉक देन एंटेना इज प्रेजेंट इन टू अपर एंटेने होते हैं. ये जो एंटेना है वो सेंसरी ऑर्गन है, जो चीज़ें ढूंढने में और डायरेक्शनल में काम करते हैं. लेकिन आप जब कॉकरोच की बात करें तो नीचे ऐसे एनल सरकाई होते हैं,
दिस इज फोनो रिसेप्टर ऑर्गन, मतलब सुनने का काम करते हैं। एक्सेलेटरी यूनिट पे यहाँ पर मालपेगियन ट्यूब्यूल्स है, और जनरली एक्सेलेटरी वेस्ट में यूरिक एसिड दो अलग अलग है। इफ द एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर देयर, दे आर रिलीजिंग अमोनिया। व्हाइल वी टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, दे आर रिलीजिंग यूरिक एसिड। जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, मतलब जमीन वाले, और जो पानी में है वो फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है, और दे गिविंग द एग्स। और कभी कभी कॉकरोच में और अंड का घर होता है जिसको ऊथीके कहते हैं, जिसके अंदर अंडे होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऊथीके। ओके, और समय अंतर पे कार्डियासिस करते हैं। कार्डियासिस का मतलब होता हुआ है इकार्डियासिस, ई कार्डियासिस इज नथिंग बट रेगुलर इंटरवल देर कैन रिलीज देर, जो उसका क्यूटिकल का लेयर होता है वो रिलीज कर देते हैं। इसलिए हमेशा इंसेक्ट सदाबहार रखते हैं। सदाबहार मतलब दे आर लुकिंग ऑलवेज बीन न्यू, हमेशा नए लगेंगे आपको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स लाइक द एपिस हनी भी, जो हनी प्रोडक्शन करती है उसके साथ बी वैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। बॉम्बे सिल्क वर्म जिससे सिल्क पाया जाता है, लेसीफर लैक इंसेक्ट है वो, वैक्टर्स दे आर वैक्टर्स फॉर पोलिनेशन, पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एनोफिलिस मॉस्किटो जो वैक्टर है दैट इज डिजीज कॉजिंग, क्यूलेक्स फैटिगन और एडिस, एडिस आपको मालूम है, एडिस मॉस्किटो जनरली, क्यूलेक्स फैटिगन मॉस्किटो जनरली चिकनगुनिया के लिए, जो चिकनगुनियल वायरस है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। एडिस मॉस्किटो ये वैक्टर्स है जो डिजीज कॉजिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजीज के वैक्टर्स हैं, मतलब कि डिजीज के जो वायरस है उसको ले जाते हैं। ओके, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, क्यूलेक्स फैटिगन रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकनगुनिया फीवर एंड इट्स वायरस कैरिंग मॉस्किटो, एंड एडिस आर डेंगू जो कॉज होता है वो ये मच्छरों के कारण होता है। ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब जो लीफ सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, सो दिस इज अ लॉकस्ट, इफ यू सी ए डायग्राम शोइंग द लॉकस्ट। ओके, इसके अलावा लिविंग फॉसिल है, मतलब किंग क्रैब जो पीछे पूंछी वाला होता है, इफ यू वी कैन से वो एक पूंछ जैसा लगता है, उसके पीछे लंबी पूंछ होती है, जो अभी क्या है दे आर नॉट फाउंड इन दैट। नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज अ, सारे एनिमल में एक इंक्लूड करें तो 15-20% एनिमल्स आर मोलुस्कंस, यूजुअली मोलुस्कंस आर मोस्टली मराइन। ओके, एंड सम हाउ सम आर फ्रेश वाटर एनिमल्स, दे हैविंग ऑल्सो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दे हैविंग ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्री एज वेल एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडम मेसोडम एंडोडम होता है, सिलम ट्रू होती है। एस्केन एलमेंथिस के बाद सारे जो भी है उसमें सिलम ट्रू है। हियर बॉडी इज ऑल्सो डिवाइड फॉर मस्क्यूलर हेड, सॉरी हेड एंड द मस्क्यूलर फुट, ये दो चीज़ें होती हैं। इफ यू सी द ऑक्टोपस, तो इसको जनरली इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होती है, लेकिन सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा मतलब सी बी डायग्राम जो ऑक्टोपस है उसके अंदर सिफेलोपोडा इसको कहते हैं, क्योंकि उनमें सिर के ऊपर पाव होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सिफेलोपोडा, दिस इज कॉल्ड सिफेलोपोडा। ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो कभी कभी मेंटल आउटसाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल पाइला, पाइला में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। ओके, और जो ऑक्टोपस होता है या तो सेपिया होता है उसके हेड के अंदर मतलब कि इंटरनल स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो जनरली बॉडी सॉफ्ट होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है मोलस्कन एनिमल्स। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जो हम्प मतलब जो शेल होता है और उसकी बॉडी के बीच की जो आप कभी भी छीप को देखो तो वो दिखता है, तो दिस इज कॉल्ड मेंटल। ओके, द फीदर लाइक स्ट्रक्चर सेविंग द प्रेजेंट रेस्पिरेटरी, और मुंह के अंदर रेड्यूला होती है, रेड्यूला में काइटेनियस टीथ होते हैं जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए काम करते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट दे आर यूजुअली डायसियस, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी इज डिफरेंट। ओवीपेरस दे आर गिविंग एग लेडिंग, जनरली सारे एनिमल्स एग लेडिंग है। एस्केल एलमेंथ इज जस्ट गिविंग द लार्वा टू और बर्ड टू द यंग वंस। ओके, नाउ पाइला जो छोटी एप्पल स्नेल है
जो हम छीप के रूप में जानते हैं, बड़े भी होते हैं। पिनकेटाडा इज अ पर्ल ऑस्टर, जिससे पर्ल बनती है, मोती बनता है। सेपिया जो सिफेलोपोडा है, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतना याद रखना, बाकी सब में क्लोज है। ऑक्टोपस में भी जो सिफेलोपोडा है, मतलब कि सीड्स के ऊपर पाव होना, मतलब लेग्स और मतलब जो अपेंडेजेस है, दैट इज अपर ऑन अ हेड, तो ऑक्टोपस में ऐसा है। दिस इज कॉल्ड डेविल फिश। लॉलीगो स्क्वीड होता है, एक तरह का छीप है वो भी। एप्लेसिया शी हेयर बोला जाता है। डेंटेलियम, ये टस्क सेल जो है, दिस इज राइट नाउ फॉसिलाइज्ड है। आप जब भी लिखे तो टस्क सेल को आप फॉसिलाइज लिखना। एंड किटोप्लेरा काइटन, अष्टकवची, उसके 8 कवच होते हैं। इफ यू सी देन वी फाइंड इन अ टस्क सेल, जो डेंटेलियम है, डेंटेलियम इज लुक्स लाइक दिस, ये फॉसिलाइज्ड। और किटोप्लियोरा जिसके ऐसे 8 कवच होते हैं। क्लिटोफोरा जो है उसके 8 कवच, अष्ट कवच ही होते हैं। दिस ऑल्सो फॉसिलाइज्ड, बट टस्क, दिस आर द टस्क और डेंटेलियम, टस्क शेल, दिस इज द फॉसिलाइज्ड। ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। दैट इज अ मेन थिंग्स वी रिक्वायर इन सच अ पर्टिकुलर फाइलम। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट अनदर फाइलम टू टूमोरो, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा हो गया। अब कल से इकाइनोडर्मेटा, देन आफ्टर हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।